तो यार आप सभी लोगों ने यार पबजी हो गया, फ्री फायर में यार ए के एम तो यार यूज किया ही होगा। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं यार इसी ए के एम गन का। और यार इस ए के एम गन में खास क्या है आपको बताता हूँ मैं। काफ़ी अन्य भी काफ़ी सारा ए के एम अनबॉक्स कर चुका हूँ, लेकिन यार इसके साथ आप देख सकते हो यार काफ़ी सारे बुलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो गाइस, काफ़ी सारे बुलेट्स आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। आपको अलग से काफ़ी सारे बुलेट्स आपको बाई नहीं करने पड़ेंगे। तो चलो यार फटाफट इसको अनबॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो यार ये रहा गन का पार्ट, तो चलो यार एक एक करके सबकी टेस्टिंग करते हैं। तो यार ये देख सकते हो यार गन की, यार ये देख सकते हो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है यार, काफी ज्यादा मस्त सा लग रहा है। आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है यार। और यार ये देख सकते हो इसका पीछे का स्टॉक है। तो चलो यार हम गन का भी असेंबल कर लेते हैं, इसको असेंबल फटाफट। तो ये देख सकते हो पीछे की तरफ ऐसे लगता है। तो वाओ यार काफी ज्यादा अमेजिंग गन लग रहा है यार। और ये देख सकते हो यार ये इसका मैगजीन है जिसके अंदर आप बुलेट्स इसके अंदर डालते हो। काफ़ी सारे बुलेट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो, जैसे देख सकते हो यहाँ से इसके अंदर बुलेट्स पड़ते हैं काफ़ी सारे। तो चलो यार इसको भी फटाफट हम इसके अंदर लगा लेते हैं। तो यार ये देख सकते हो यार ऐसे लगता है, जो कि यार देख सकते हो यार एकदम रियलिस्टिक लग रहा है यार। जैसे रियल जो ए के एम गन होता है वैसे ही बिल्कुल देखने में एकदम वैसे ही लग रहा है। और यार ये रहा इसका लेज़र लाइट, तो देख सकते हो यार इसके साथ हमें टारगेट पर निशाना लगाने के लिए लेज़र लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा कूल है यार, काफ़ी शानदार है, देख सकते हो वाओ। तो चलो यार इसको भी फटाफट अटैच कर लेते हैं इसके साथ। तो किस साइड लगाऊं यार, इस साइड या फिर इस साइड? तो यार चलो इस साइड, इसको नहीं इस ही साइड लगा लेते हैं। तो लग जा भाई फटाफट। तो यार ये रहा टारगेट पे निशाना लगाने के लिए काफ़ी मस्त सा लेजर लाइट देखने को मिल जाता है। और यार ये रहा इसका, ऐसे भी आप निशाना लगा सकते हो चाहते हो ऐसे करके, वाओ। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और रिलोड करने की बात करें यार इस गन की, तो देख सकते हो यार ये इसको पीछे करना पड़ेगा स्लाइडर को। अगर आप ऐसे पीछे करोगे ऐसे, वाओ काफ़ी ज़्यादा दमेदार है यार, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक गन ये लग रहा है। और यार देखने में तो एकदम लग रहा है कि जैसे असली ही गन हो, देख सकते हो। और इसके स्केल की बात की जाए तो यार 1:1 स्केल की, जैसे कि जो रियल में गन होती है वैसे ही देखने में इसकी साइज़ वैसे ही है। देख सकते हो काफ़ी बड़ा गन है ये, कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ रहा, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गन है। तो चलो यार इसमें हम फटाफट बुलेट्स डाल लेते हैं। और यार इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो यार प्लास्टिक का ही बना हुआ है पूरा, देख सकते हो ये मेटल का है और ये प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी वाली प्लास्टिक है यार, हाथ में पकड़ने पे काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है। तो चलो यार इसके फटाफट अंदर हम बुलेट्स डालते हैं मैगजीन के अंदर। तो यार ये रहा इसका मैगजीन, और चलो बुलेट्स को फाड़ लेते हैं। इसके अंदर हम फटाफट बुलेट्स डालते हैं। चलो यार इसको हम रिलोड करते हैं। रिलोड करने के लिए इसको पीछे करना पड़ेगा आपको, और फिर ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे होल है छोटा सा, देख सकते हो इसके अंदर से बुलेट्स आएंगे। चलो यार इसको हम लगाते हैं गन में और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो देख सकते हो यार ये गन में अच्छे तरीके से ये लग चुका है। और इसको करते हैं हम रिलोड। ये देख सकते हो यार रिलोड हो चुका है एकदम मस्त अच्छे तरीके से। और चलते हैं अब इसकी टेस्टिंग की। और उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो यार तो मारो सब्सक्राइब इस लाल बटन को दबा के, क्योंकि यार हम ऐसे ही अमेजिंग काफ़ी सारे वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो करते हैं इसकी टेस्टिंग, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार लाइक भी कर देना। तो चलो करते हैं अब इसकी टेस्टिंग। जो गन है यार काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने जितने भी ग्लास को मारा लगभग सबको फाड़ दिया था। और यार इसका यूज आप बच के करना, और किसी इंसान को ना मारना इससे, और किसी जानवर को भी मत मारना, क्योंकि ये गन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है उसके लिए। और यार अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो यार नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको बाई भी कर सकते हो। और यार अगर आप अभी तक वीडियो देख ही रहे हो, पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है काफी सारे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं यार किसी नए वीडियो में।